समस्या हमारे साथ ये है कि आज एक महीने से ये हमारा आम रास्ता है, इसमें मस्जिद जाने वाले, मंदिर जाने वाले, गुरुद्वारा जाने वाले और पूरा गांव इसमें निकलता है। और ये PWD ने ये नाली निर्माण के लिए हमारा मेन रास्ता कोर के पटक रखा है। एक महीने से परेशान हो रहे हैं हम लोग और ये लोग, हम यही चाहते हैं कि हमारे रास्ता बहाल करवा दो। हम गांव के चारों तरफ घूम घूम के आ रहे, परेशान हो गए, हमारी इस परेशानी का समाधान किया जाए। और ये अल्टरनेट दे रहे हम, आज शाम को 8 बजे तक हमारे रास्ता बहाल होना चाहिए, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे, रोड पे बैठेंगे हम, या फिर हम जैसी भी हम स्वयं हाथों से मेहनत करके इसको भर देंगे गड्ढे को। अब नहीं चाहते कि हम चक्का जाम ही करेंगे ना, हम कानूनी कार्रवाई में आए या हम गवर्नमेंट के दोषी हो गए। हम प्रशासन से मांग करते हैं ये हमारा रास्ता बहाल किया जाए। हमारी माए, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हो रहे हैं, कहाँ होके निकलेंगे? दूसरे रास्ते में 2 किलोमीटर का रास्ता है हमारा, 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, मेन रास्ता बंद हो रहा है, इसका समाधान किया जाए। प्रशासन से रिक्वेस्ट है, अधिकारियों से रिक्वेस्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं इधर ऊपर गांव में रहता हूँ, वार्ड नंबर 3 में। सब वार्ड नंबर 3 के निवासी है, परेशान हो रहे हैं, वार्ड नंबर 3 के, 4 के, 5 के, 1 के, 2 के, सब वार्ड इसमें आते हैं, सारे गाँव के। समस्या को लेकर हमारे गाँव की बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो नाली खुदाई का काम चला है मेन मार्केट तालेडा में, वो नाली खुदाई में हमारे गांव का जो आम रास्ता है उसको भी खोद दिया गया है। पिछले 20 दिनों से हम बहुत परेशान हैं, आम रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाने के लिए यहाँ के ग्रामवासी बहुत परेशान हो रहे हैं। और इस विषय को लेकर के हम सब ग्रामवासी आज यहाँ SDM साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और उनको अवगत कराने आए हैं कि हमारी समस्या का जल्दी ही निराकरण करो। निराकरण अगर नहीं हुआ तो फिर हम कुछ और करने पे बाध्य हो जाएंगे। कहीं का रास्ता है वो किसने बंद कर रखा है? वो रास्ता आम रास्ता है और वो किसी ने बंद नहीं किया, वो नाली निर्माण की वजह से उसको उस रास्ते की खुदाई करके और वो बंद किया हुआ है। मेरा नाम मोहन मेघवंशी है, मैं भाजपा मंडल महामंत्री ताड़ा।